تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم السلام عليكم بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو عرض اسماء کی تمام آفات سے محفوظ رکھے آمین آج کے ولاگ میں بیسیکلی میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے شاپنگ جو عید کی ہے यहाँ पे क्वारंटाइन चल रहा है मगर फिर भी बहुत एहतियात के साथ और उन्हीं शॉप्स पे हम गए थे जहाँ ज़्यादा रश नहीं था और डिस्टेंस रखा जा रहा था और प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। अलावा हम अपने पुराने घर गए थे जहाँ पे हम पहले रहते थे तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, हमें वहाँ किसी से मिलना था तो सो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके अलावा हमने बारबेक्यू किया है तो उसकी भी वो बारबेक्यू भी आप हमारे साथ करें। तो सो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अब हम लाल चिकन लेने के लिए जा रहे हैं। चिकन यहाँ मिलता है मगर बल्क क्वांटिटी में नहीं मिलता है तो सो हम वो लेने के लिए मिसिसागा जा रहे हैं और उसके अलावा हम शॉपिंग करेंगे। और अब हम पहुँच चुके हैं स्वीट शॉप पर। यहाँ पर सिर्फ स्वीट ही नहीं मिलती है बल्कि इसके साथ साथ दही भल्ले, पकौड़े, चाट पापड़ी और बाकी भी कल्चर की जितनी भी चटपटी चीज़ें हैं सब मिलती हैं। तो हसन की फरमाइश पर चाट पापड़ी, नमक पारे और ताहिर की पसंद पर समोसे लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं चिकन शॉप पे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग डिस्टेंस के साथ खड़े हुए हैं मगर इस शॉप पर भी 10 या 20 पाउंड तक मिलता है चिकन, मगर हमें ज़्यादा जैसे 40 पाउंड तक चाहिए है तो हम बैक साइड पर जो शॉप है वहाँ पर जाएँगे। एक मिनट लगता होता है वैसे भी जब आते हैं ना, यहाँ नहीं बाहर निकलते नहीं, नहीं इतना टाइम नहीं लगता होता है अंदर। पेमेंट में अब पेमेंट में था ही कोई नहीं और ना को पेमेंट में टाइम लगा है। हाँ, पहले एक दो बंदे होते हैं क्विकली, जैसे फॉरन हमें चिकन मिल गया और वो हमने अपनी गाड़ी में रखा है एंड हम वापस भी जा रहे हैं। मैं क्विकली हो गया, ओह माय गॉड। इसलिए आए थे 2 घंटे ड्राइव कार के बाद। तो इधर ये सस्ता भी होता है या बस वैसे ही लाइक को फर्क पड़ो? नहीं, एक तो फ्रेश होता है ना। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ब्रैम्पटन जहाँ हम पहले रहते थे। उसी स्ट्रीट में हमारे एक फ्रेंड भी रहते थे जिनकी रिसेंटली अभी यंग बेटे की डेथ हुई है और ताज़ियत के लिए हम जा रहे हैं। मोटर बाइक पे था और मोटर बाइक बहुत डेंजरस है यंग पीपल्स के लिए जो बहुत क्रेज़ी होकर चलाते हैं और वो भी बहुत स्पीड में था। आई थिंक 150 की स्पीड पे चला रहा था और मोटर बाइक जाकर कार से टकराई और उसके फेस पे और ब्रेन पे इतनी शदीद चोट लगी कि एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। पहुंच चुके हैं अपने पुराने घर। चिंगोजी है सैंडलवुड शॉपर ड्रग मार्ट। ये हाई स्कूल था जैद और आमना, जैद के लिए जैद और फवाज का। ये हमारा प्रीवियस हाउस था जहाँ हम रहते थे। दिस वन ये पार्क था जहाँ फवाज, जैद और आमना खेलने के लिए आते थे। तो ये मिठाई हम लेकर आए थे अपने नेबर्स के लिए ताकि उनको भी हम अपनी खुशियों में शामिल कर सकें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था बारबेक्यू के लिए तो उसमें क्या क्या मसाले लगाए थे और उसको अगर हम एक रात पहले से मैरिनेट कर लें तो फिर बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन 6-7 घंटे भी काफ़ी होते हैं अगर मैरिनेट करके रख लिया। ये है हमारा चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया है और इसमें मैंने सिंपल स्पाइसेस यूज़ किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन बहुत मज़े का बनता है। आपको मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसमें सॉल्ट, रेड चिली, जिंजर और अजवाइन वो डाली है। इन सारे स्पाइसेस में सिरका मिक्स किया है और फिर उससे मैंने इसको मैरिनेट किया है। आप ट्राई करके देखें। तो अभी मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। तो ये बात हो रही है फवाज के साथ। हेलो फवाज, मेरे फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे? I
अनसब्सक्राइब कर दो मम्मा को। मम्मा अच्छी अच्छी है बहुत। इसको हमने कट किया था, बीच में कट लगाए थे छोटे छोटे, एंड अभी मसाला हमने वही लगाया सेम जो हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए लगाया था। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें अजीनोमोटो थोड़ा सा ऐड कर लें अगर फ्लेवर के लिए, तो फिर बहुत मज़े से। थोड़ा सा इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर डाला था हमने, और इसको ड्राई करने के लिए इसका पानी निकल आया था उसकी वजह से। और अभी हम इसको हल्का सा इस पर कुक करेंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई होकर पेस्ट अच्छे तरीके से पोटैटोज पे लग जाए। कितने मजे के लग रहे हैं ना। हाँ, अब हम आलू डालने लगे हैं। ये आलू बहुत ही अच्छे बनते हैं, मजे के। थोड़े दिन पहले अफ्तारी के लिए बनाए थे और बहुत ही अच्छे बना था। इसके अलावा अफ्तारी पे और कुछ नहीं खाया था। ये एक्चुअल रिएक्शन। आमला ने तो ऐसे किया जैसे इतना गरम है, वो पूरी गरम हवा मुंह पे आई है। ये हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। तो ये फाइनली हमारा मील रेडी हो चुका है। आमला बहुत अच्छा लग रहा। अरे मैं बिस्मिल्लाह करूं। अबाउट कॉम्प्लीमेंट अबाउट माय डिनर। हसन नहीं, हसन अभी नहीं। इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, लोगों को दिखाएं। खाऊंगा तो कॉम्प्लीमेंट दूंगा ना। ये तो बात सही है। बारबेक्यू कैसा लगा? मजे का। या अच्छा, आउट ऑफ 10 हाउ मच? 11। बहुत मजे का बना। जो प्रीवियस नाइन थी हमने उससे ज्यादा मजे की है या उससे कम है? उससे ज्यादा मजे का। Really? ज्यादा अच्छा बना ना लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम में ज्यादा मजे का था। इट्स गुड लाइक इट्स सेम लाइक हर बंदे की टेस्ट की बात होती है। अच्छा वापस कर। मुझे लास्ट टाइम वाला ज्यादा मजे का लगा था। उस दिन आप क्या कह रहे थे? उस दिन बहुत बेहतरीन बना हुआ था। उसमें मैं कल से हसन कह रहा था मजे मजे। उसमें कोई चिली सॉस और साथ मुझे दुआएं भी दे रहा था। दुआएं हाँ तो बने थे तो भाई तीन थे और जनरल बात है। साथ मुझे दुआएं भी दे रहा था। यस यस यस। मुझे उसके दिल से निकल रही थी ना, उससे मुझे टेस्ट का पता चल रहा था कि वाकई आज मैंने कुछ अच्छा बनाया है। और हसन की फरमाइश पर ही बनाई थी। Thank you, auntie, thank you. हमें तो हसन के दिल से दुआ निकलेंगी बोटियों के लिए। तो जब मैं कहूँगा आंटी बस। हाय हाय मजे। तो गाइस ये था डिजाइन, ये छोटे छोटे फूल और फिर अंदर डॉट्स, और फिर मैंने बनाया ये। और ये काफी खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि मम्मा को काफी नींद आ रही थी और मम्मा का हाथ बार बार हिल रहा था। मुझे ना अच्छी मेहंदी लगानी है। आप डिसाइड करके बताएं कि आमना ने कैसा बनाया है। आमना की बेटर है या जो इस फोन में है वो बेहतर है? ओरिजिनल जो है वो बेटर है या फिर आमना ने बेटर लगाई है? आर यू फीलिंग? बस प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ यार। बार प्रैंक किया तो गिफ्ट अच्छा दिया था ना यार। हद होती है यार। माना क्या हम लोग गरीब हैं पर क्या हो गया यार। तो दे दो यार। ये तुम्हारे साले और बहन से है ठीक है, स्पेशल दिल से। मुझे भी नहीं पता क्या बोलो तो सही। क्या पता सोने की अंगूठी रखी है अंदर यार आदत होती है। मुझे पर खोल के अंदर झांकी मारनी है। वन सेंट का जब कैसा महसूस कर रहे हो? अब आपकी नेटवर्थ एक सेंट बढ़ गई भाई। ये यूएस वन सेंट है। ये मतलब 1.3 1.4 सेंट है। ये 1.4 सेंट कैनेडियन। हम इतना प्यार करते हैं यूएस का। मैं अपने वॉलेट में रख लेता हूँ। मेरे अंदर और एमिनेशन आ गई है अंदर। इस दफ़ा ईदी मैंने डिफरेंट वे में दी है। मैंने तीनों बच्चों की ईदी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं, वहां रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता।